हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लास्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन। मैं आज आपको दिखाऊंगा थ्री फाइव पिन सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो चलिए पहले इस बोर्ड का हम वायरिंग को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड्स के मदद से आप अपना कंप्यूटर भी चला सकते हो। इसमें मॉनिटर, इसमें सीपीयू और इसमें इन्वर्टर आप कनेक्शन कर सकते हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक तो 15 एम्पियर स्विच को दिया है, ताकि स्विच 5 एम्पियर स्विच होगा तो स्विच गर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए। तो इसके लिए मैंने छोटा छोटा करके वायर को काट के रखा है। तो पहले हम ये जो लाइन वाला जो टर्मिनल है सॉकेट का, तो उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो ये जो टर्मिनल है, यह है लाइन वाला टर्मिनल सॉकेट का। तो यहाँ पे वायर को लगाएंगे, एक वायर को लेंगे, ये दूसरा वाला जो सॉकेट का जो टर्मिनल है, यहाँ पे ये दोनों वायर को लगा देंगे। और ये जो लास्ट वाला जो सॉकेट है, उसका जो लाइन वाला टर्मिनल है, वहाँ पे ये वायर को लगा देंगे। और एक ठो वायर लिया है, ये वायर को हम सॉकेट के जो लाइन वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। और इस वायर को ये जो स्विच है, ये स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। तो यह हमारा लाइन वाला टर्मिनल को कनेक्शन कर दिया है। तो हम इसमें नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए मैंने ब्लैक वाला वायर लिया है। तो चलिए पहले ये जो सॉकेट का जो ये टर्मिनल है, यह है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इस वायर को लगाएंगे। और इस वायर के साथ और एक ठो वायर लेके ये जो दूसरा वाला सॉकेट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। तो ये तीसरा वाला सॉकेट पे ये इस वायर को और एक ठो वायर लेंगे, ये दोनों को एक साथ यहाँ पे भी लगा देंगे। और इस वायर को हम यहाँ पे जो एक इंडिकेटर है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। तो यह हमारा नेगेटिव का कनेक्शन हो गया है। तो चलिए अब इस इंडिकेटर की कनेक्शन करते हैं। ये ऊपर वाला टर्मिनल को मैंने खोल दिया है और इसमें इस वायर को लगा दिया, रेड वायर को। अब इस वायर को ये जो स्विच के ऊपर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन हो गया है। तो चलिए अब इसमें मेन लाइन जो आउटपुट लाइन है उसको हम लगाते हैं। तो ये मैंने एक ठो रेड वायर लिया है, इसको हम ये जो स्विच के जो ऊपर वाले टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया पॉजिटिव लाइन। ये हो गया पॉजिटिव लाइन। और ये एक ठो ब्लू वायर लिया है, इसको हम ये जो सॉकेट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया आपका मेन नेगेटिव।
ये ऊपर में जो टर्मिनल है अर्थिंग का, उसका भी वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वायर लिया है। यहाँ पे एक ठो वायर को लगा दिया इस टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल को भी खोल लेंगे, और इस वायर के साथ इस वायर को एक साथ यहाँ पे लगा देंगे। और ये जो खाली है जो टर्मिनल तीसरा वाला सॉकेट, यहाँ पे भी लगा देंगे। और ये एक तो मेन अर्थिंग का वायर लिया है, इसका हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये अर्थिंग। तो चलिए अब इस बोर्ड को हम टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम सॉकेट को चेक करते हैं। इसके लिए मैंने एक तो बल्ब और एक तो होल्डर लिया है। तो ये अभी बोर्ड पे लाइन आ गया है। तो पहले मैं ये वाले सॉकेट को चेक करता हूँ। तो देखिए जल रहा है, ये दूसरा वाला सॉकेट। तो देखिए ये भी जल रहा है, और ये है तीसरा वाला सॉकेट, ये तीसरा वाला सॉकेट भी जल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।